अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू एनरोल एट अकाउंटेंसी हब। किसी भी कोर्स में आपको अगर एनरोल करवाना है तो जस्ट आपको क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है accountancyhub.net। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपने लॉग इन करना है। ठीक है, आपने साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपने नेम लिखना है। मैं अपना फिलहाल नेम लिख रहा हूँ एहसन जुबैर, एज अ स्टूडेंट लिख रहा हूँ, और अपनी ई मेल zubairehsan842@gmail.com। यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हो अपने मर्जी का, SN456, और पासवर्ड रख के आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है हमारी वेबसाइट पे, एक जस्ट साइन अप करना है। ठीक है, ये हो गया रजिस्टर एट आवर वेबसाइट। वंस यू आर रजिस्टर्ड ऑन आवर वेबसाइट, अब आपने क्या करना है, अब आप किसी भी कोर्स में जिसमें आप एनरोल करवाना चाहते हो, ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कोर्सेज की। ठीक है, कोर्सेज ओपन करने, आपके सामने तमाम कोर्सेज इस तरह ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपके सामने ये जो तमाम कोर्सेज ओपन हो गए हैं, इन इनको आपने कितना लेके चलना है कि आपने देखने कि आप कोर्स चाहिए कौन सा। ठीक है, अब F1 है, F2 है, आगे MA2। फॉर एग्जाम्पल आपको टू कोर्सेज चाहिए, F1 और F2, आपने एड टू कार्ट करना है, और इन दोनों को हमने एड टू कार्ट कर दिया क्योंकि हम दोनों में चाहिए, और व्यू कार्ट हमने अब कार्ट में जाना है ये देखने के लिए कि हमने कौन से कोर्सेज में एनरोल करवाया है, F1 और F2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जस्ट आपको क्या होगा कि आपने के सामने ये डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको कहीं से, हमारी वेबसाइट से, या हमारे फेसबुक पेज से, या हमारे किसी ट्यूटर या एडमिन के किसी भी बंदे से आपको मिला है कोई भी कोड, आपने वो लिख देना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं कोड नहीं लिख रहा क्योंकि कोड है नहीं। ठीक है, वो कोड से क्या होगा, जितने परसेंट डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने चेकआउट कर देना है। जैसे ही आपने चेकआउट करना है, आगे आप कि आपसे वो तमाम डिटेल्स आपकी मांगेगा जो जाएंगी एज अ बिलिंग डिटेल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एहसन जुबैर। कंपनी नेम में कुछ भी ना लिखो, स्ट्रीट में कुछ भी लिख दो, लाइक अपनी जो जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का नाम लिख दो। लाइक मैं लिख देता हूँ ताजबाग लाहौर, जिप कोड अपने सिटी का जिप कोड लिख दो, और इसी तरह नंबर अपना, मैं अब एक डमी सा नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने तमाम अपनी इन्फो डाली, और कोई एडिशनल इन्फो अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जिस तरह आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन आई, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने प्लेस ऑर्डर कर देना है। यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पे बस क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है जो कि इन फ्यूचर आपके काम आएगा। आपसे टीचर पूछेंगे या कोई भी अगर आपसे पूछे कि आपका ऑर्डर नंबर क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सीन है। ठीक है, अब आपको पता है 23,400 आपको पे करना है। जैसे ही आपको ये करोगे, आपको साथ ही एक ईमेल आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की ईमेल आएगी। फॉर ये देखो, ये एक ईमेल आएगी, इसको ओपन की, ये आपको एक ईमेल आई। ईमेल इस तरह की आएगी कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और तमाम आपको आएगी कंफर्मेशन कि आपने ये ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन अभी ये ऑन होल्ड है। देखो, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, इट्स ऑन होल्ड अंटिल वी कंफर्म द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ट्यूटर या फिर जो भी आपको आपके साथ इन कॉन्टेक्ट है उससे आपने कॉन्टेक्ट करना है, या अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एडमिन का कॉन्टेक्ट कहाँ से मिलेगा। आप इस पेज पे ऊपर जाओगे तो ये हमारा यहाँ पे एडमिन कॉन्टेक्ट है। इसके अलावा बाकी नंबर भी हमारे यहाँ इस कॉन्टेक्ट अस के पेज पर है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो बाकी कॉन्टेक्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, उस पर कॉन्टेक्ट करना है। ये हमारे नंबर्स वगैरह यहाँ पे हैं। ठीक है, आपने कॉन्टेक्ट करके उनसे बैंक डिटेल्स लेनी है और बैंक में पे कर देना है। जैसे ही आप बैंक में पे करोगे, एडमिन जो है, एडमिन डिपार्टमेंट आपको बैक एंड से एक्सेस दे देगा। ठीक है, बैक एंड से जैसे ही आपको एक्सेस आएगी, ठीक है, वहां मैं आपको बता दूं कि आपके साथ क्या होगा। जस्ट एक मिनट, बैकएंड से आपको एक्सेस जैसे ही मिल जाएगी, अब बैकएंड से मैंने एक्सेस दी तो आपको एक और ईमेल आएगी कंफर्मेशन की कि आपकी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आपको इस तरह की ईमेल फिर से आएगी दोबारा से कि वी हैव फिनिश प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, और तमाम आपका बिल
आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका बिल होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह कोई अगर उन्होंने देना होगा, एडमिन की तरफ से डिस्काउंट होगा, तो वो खुद बहुत उसको एडजस्ट कर देंगे, नहीं तो आपको कूपन कोड बता देंगे, आप कूपन कोड की जगह पे उसको प्लेस कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब यहाँ तक आपने तमाम ऑर्डर आपका कंप्लीट है। अब आप इजीली जाके कोर्सेज में, जैसे ही आप कोर्सेज में जाओगे, अपना आप कोर्स ओपन करोगे, तो आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। आप कोई भी कोर्स ओपन, जो भी आपने कोर्स में एनरोल करवाया F1 या F2, इसको ओपन करोगे तो ये आप इसमें एनरोलमेंट हो गई है। इट वाज ऑल डेमो ऑफ हाउ टू एनरोल एट अकाउंटेंसी हब। इसके अलावा फिर भी अगर कोई इश्यू होता तो ये कॉन्टेक्ट अस पे जाके हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और हमसे कॉन्टेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इट वॉज ऑल, फिर भी मतलब मैंने आपको कहा कि कोई भी इशू हो तो ये कॉन्टेक्ट्स हैं, और एनरोलमेंट करने के लिए ज़रूर क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट करो। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।